और गाइस अगर आप लोग पासीघाट में बोडांग में या पोंगिंग में उसमें घूमने जाता है तो आप लोग ये एक मिडुलेरेंग बोल के एक जगह है, ये वार मेमोरियल है एक, यहाँ में भी आप लोग इसको भी देख सकता है, बहुत अच्छा से बनाया हुआ है। ये पुराना जमाने में बुजुर्गों लोग कुछ ब्रिटिश का समय में सेक्रीफाइस किया था उन लोगों के लिए ये बनाया हुआ है। तो अभी अंदर जाते हैं, देखिए बंद पड़ा हुआ है, इसको खुल के जाना पड़ेगा। तो अंदर में जाके थोड़ा देख लेते हैं, इसको खोल लेते हैं पहले। कुछ ऐसा है अंदर, बहुत अच्छा से सजा के रखा हुआ है और ये ऊपर में पत्थर लगाया हुआ है उसमें। वो इसका अंदर ऐसा है, पीछे से जाके देखता है कैसा है। वाह बहुत बढ़िया है, ये शायद 2015 को बनाया था क्या, हम भी एग्जैक्टली मालूम नहीं। अभी हम आप लोग को बाहर में निकाल के डेट को देख के बता देगा। देखिए गाइस यहाँ का अंदर का व्यू। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं होंगिंग का तरफ और इसको वापस हम गेट को बंद कर देगा, हम ही को लाता तो हम ही बंद करना होगा। और इसमें लिखा है कब बनाया था, ये 25 फरवरी 2015 को इसको बनाया है। तो अभी आगे जाते हैं हम लोग पोंगिंग का तरफ। सो गाइस अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुका है पोंगिंग, ये है मेरा पीछे में है पोंगिंग। देखिए गाइस अभी हमें आप लोग को हम व्यूज दिखाना शुरू करेगा पोंगिंग का, तो आगे जाके पोंगिंग का व्यूज देखते हैं। नीचे में और एक ब्रिज है पोंगिंग का, उसको भी आप लोग को हम दिखाएगा पहले, लेकिन ये रोड साइड में इसमें एक कुछ बनाया हुआ है जगह, इसमें यहाँ का जगह को आप लोग को हम पहले दिखा लेगा। तो पोंगिंग का व्यू देखते हैं और नीचे में देखिए गाइस वो है सियांग रिवर। और गाइस अभी हम यहाँ में थोड़ा उठ के आप लोग को व्यूज दिखाएगा। आप लोग इसमें ऐसा उतने के लिए मत करिए, बहुत रिक्स है। तो अभी ऊपर में उठ के, वाह देखिए गाइस हम उसमें नहीं जा सकेगा, नीचे में डायरेक्ट स्लिप होने से खत्म। गाइस ये वाला बुरा वाला जो ये सियांग है और वो चौथा से आने वाला जो यमुना रिवर है, वो यमुना रिवर जो मरियांग से वहाँ से आता है, मेरा होम टाउन है मरियांग जो। देखिए गाइस वाओ इतना बढ़िया है जगह, एकदम व्यूज देखिए। आप लोग भी हमें पासीघाट में आते हैं तो प्लीज इसको विजिट करिए, ऐसा जगह नहीं मिलेगा आप लोग को। देखिए वाह, और वो मेरा ठीक पीछे में वहाँ में रोड कटिंग चल रहा है अभी पोंगिंग ब्लेस के लिए, पहले में उसमें रोड नहीं था, रोड जो बना रहा है पोंगिंग ब्लेस के लिए बहुत अच्छा बात है वो। और वो नीचे में है एक ब्रिज, उसको भी अभी हम लोग देखने जाएगा, वहाँ से वो आगे से रास्ता है, वहाँ से हम आप लोग को जाके दिखाएगा। मेन चीज जो उसको हम यहाँ में पोंगिंग में दिखाने के लिए आया था वो ब्रिज है नीचे में, उसको दिखाने के लिए आप लोग को। और गाइस इसमें जो है अन्य लोग कुछ ऑरेंज बिक्री कर रहा है, देखिए गाइस अरे पे डू ना नहीं है, इसमें ऑरेंज बिक्री कर रहे हैं। आप लोग यहाँ में आते हैं तो प्लीज ये लोग का को ले दीजिए, प्योर ऑर्गेनिक है ये सब, और उसमें कुछ टोकरी बना रहा है। गाइस अभी हम लोग ये ऊपर से व्यूज को देख लिया है, अभी नीचे में जाके व्यूज को देखने जाएगा।
वहाँ में हम जो छोटा वाला एक ब्रिज था उसको दिखाने जाएगा। तो गाइस अभी हम नीचे जाने वाला रास्ता में पहुंच चुका है। देखिए रास्ता कुछ इस तरह है। आइया देखिए रास्ता ऐसा है, थोड़ा बहुत नीचे तक जाएगा होगा लेकिन हो जाएगा, व्यूज देखना पड़ेगा। आज यहाँ तक आया है तो देख के ही जाएगा, वहाँ कैसा है उसको हम भी मालूम नहीं है। हम भी आज पास टाइम उसको विजिट करने जा रहा है। ओ उतने समय तो बहुत थकेगा होगा, एकदम बहुत नीचे तक जा रहा है ये तो। गाइस रास्ता तो बहुत बढ़िया है, अच्छा से बनाया हुआ है, लेकिन देखिए थोड़ा सा स्लिप करने से डायरेक्ट साइड से गया खत्म। लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा है लेकिन पैर से चलने के लिए काफ़ी है रास्ता। ओहो पहुँचने वाला है वहाँ में, थोड़ा थोड़ा ब्रिज को देखना शुरू हो रहा है। आइया उतने समय तो बहुत एकदम तेज वाला मिलेगा, बहुत थकेगा। और गाइस ब्रिज पहुँचने से पहले आप लोग को मैं एक बात बता दूंगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का मेरा नए हम लोग का वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो जो पासीघाट का कोमलीघाट में होगा, इसमें ब्लॉग करने जाएगा हम लोग, उसको एक्सप्लोर करेगा अच्छा से, वहाँ का व्यूज़ को देखने जाएगा। वो भी एक बहुत सुंदर वाला जगह है, वहाँ पर भी बहुत लोग आता है फोटो खिंचाने के लिए, वो सब कुछ वीडियो सीडियो वो सब सब कुछ करने के लिए उसमें आता है, तो उसको भी आप लोग प्लीज़ देख दीजिए। तो अभी हो जाएगा लेकिन ब्रिज भी पहुँचने वाला है, आप लोग वीडियो में एकदम बने रहिए। ओहो रास्ता एकदम पूरा सांप का जैसा ऐसा पूरा ऐसा ऐसा करके जा रहे हैं उतने समय तो, लेकिन आइया क्या बोलेगा। सो फाइनली हम लोग ब्रिज में पहुंच चुका है। देखिए ये है हैंगिंग ब्रिज, पोंगिंग प्लेस का ये हैंगिंग ब्रिज है। देखिए गाइस वो वाला जो यमने रिवर है, और वो नीचे वाला जो सियांग, हम पहले भी बता दिया था ये यमने रिवर जो मेरा होम टाउन वहाँ से आता है मारियांग से। ओ ऐसा है हैंगिंग ब्रिज का नज़ारा। गाइस पहले जैसा वो रानीघाट ब्रिज दिखाया था वैसा ही आप लोग को हम इसको पहले दिखाएगा, ऊपर से पहले व्यू दिखाएगा और फिर नीचे में जाके व्यूज देखने जाएगा। देखिए गाइस ऐसा है हैंगिंग ब्रिज वाला जो सियांग रिवर और ये यमने रिवर। और हाँ गाइस आप लोग पासीघाट से हो या बाहर से आप लोग आते हैं पासीघाट में आते हैं तो प्लीज़ ये जगह लोग को विजिट करिए, इतना सुंदर सुंदर जगह, ऐसा जगह को आप लोग मिस मत करना। देखिए वाह इतना सुंदर सुंदर जगह है, वाह ब्यूटीफुल। अभी हैंगिंग ब्रिज को वो नेक्स्ट उसमें क्रॉस करके देखेगा वहाँ से, वहाँ क्रॉस करके आके आप लोग को हम नीचे में जाके वहाँ से भी व्यूज को दिखाएगा। देखिए और गाइस ये हैंगिंग ब्रिज लुक को अच्छे से बनाया है। देखिए आप लोग का एरिया से निकालने के लिए बहुत मुश्किल है, देखिए अच्छा से बेम्बू से इसको बेम्बू को फाड़ के बनाया है, आराम से आप इसमें जा सकेगा, इसमें डरने की बात नहीं है। वाह पानी भी इतना फ्रेश लग रहा है, इतना सुंदर है वो ऊपर में धूप का वजह से दिखाई नहीं दे रहे, वहाँ में था हम पहले उसमें मेन हाईवे रोड जो है वहाँ से हम आया है, और इसमें क्रॉस करते हैं पहले लेकिन ब्रिज को। ये ब्रिज के बारे में उसमें कुछ लिखा होगा, वहाँ में कुछ मेमोरी बना के रखा हुआ है वहाँ से, लेकिन आप लोग को हम बता देगा। वाह 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 देखिए
दूसरा साइड से नज़ारा ऐसा है गाइस, वहाँ से आया है वो दूसरा कॉर्नर है, हम यहाँ में अभी पहुँच गया। ऊपर से हम आया है और उसमें जाके देखते हैं। वाह, ये है, ये 9 September 2017 को ये बनाया है। वाह, देखिए गाइस इस तरफ से नज़ारा ऐसा है। और गाइस अभी हम फिर से दूसरा जगह में आ गया जहाँ से हम आया था। और गाइस रास्ता कुछ इस तरह है, रास्ता बहुत स्लिप है गाइस। अब लोग यहाँ में आता है तो नीचे जा, ये सब नीचे वो सब जाने से अच्छा से जाना है, बहुत स्लिम मारता है। हम ये देखिए चप्पल पहन के आया है, इतना स्लिम मार रहा है मेरा चप्पल। जो आप लोग हो सके तो जूता वो सब अच्छा से करके आइए, यहाँ से स्लिप करके गिरने से बहुत डेंजर से सूट लगेगा, एकदम स्लाइड एरिया है। देखिए गाइस रास्ता ऐसा है, देखिए बोर्ड दिख से आप लोग सपोज यहाँ से स्लिप करके गिरने से एकदम पूरा पत्थर है और जगह भी बहुत डेंजर से सूट लगेगा, इसलिए आप लोग का अच्छा से वो जूता वो सब पहन के इसमें आप लोग जाते हैं तो प्लीज़ जाइए। वाह, पहुँच गया फाइनली, पहुँच गया है गाइस अभी फाइनली हम नीचे में। देखिए अभी हम यहाँ से व्यूज को दिखाएगा। देखिए गाइस यहाँ का व्यू कुछ तरह है, वो देखिए बिल्डिंग ब्रिज इतना सुंदर है, वाह बढ़िया है। वो याम रिवर और वो सियांग गाइस, ये जगह में भी आप लोग फोटो वो सब खींचने का इंटरेस्ट होने से यहाँ में आके भी आप लोग खींच सकता है, इतना बढ़िया है। वाह, अभी एकदम यमुना रिवर को क्रॉस करके जाएगा, आया है तो अपना होम टाउन का सामने से ही आता है यमुना रिवर, जो एकदम मरियम का याद दिला दिया। ये देखिए गाइस ये है यमुना और इसका पानी देखो एकदम बहुत फ्रेश है गाइस। गर्म लग गया, पूरा चेहरा धुलाएगा गाइस। ये पानी जो बहुत फ्रेश है और आप लोग ज़्यादा प्यास लगने से यहाँ से डायरेक्ट पी सकता है पानी को, देखिए ओहो। देखिए गाइस ब्रिज जो बहुत ऊंचा है यहाँ से, और गाइस आप लोग गंदी बुक गाने का इंटरेस्ट होने से इसमें गंदी बुक भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ में हमको डायरेक्ट एक मिल गया गंदी बुक, इसको हम लोग चटनी बना के खाता है, ये है गंदी बुक, हो जाएगा इसको एक को हम चोर के जाएगा, हो जाएगा माया लगता है। बाय बाय, तो आगे जाते हैं। ओ नीचे जो सियांग है वहाँ में तो हम क्रॉस नहीं कर सकेगा, वो उधर से रास्ता होता होगा लेकिन मालूम नहीं है हम, इसलिए वो सियांग का तरफ में नहीं जा सकेगा। तो गाइस अभी सब व्यूज तो देख लिया है, अभी हम भी वापस अपना घर का तरफ निकलेगा। अरे बहुत थक गया, अभी रास्ता में है, इतना नीचे तक आया था। ये ब्रिज जो बहुत नीचे है वो मेन हाईवे से, हाँ गाइस प्लीज चैनल को शेयर कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को जितना भी हो सके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल में जो भी नया आया है प्लीज़ आप लोग भी अपना भाई समझ के सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले से जो लोग सब्सक्राइब किया है वो सबको थैंक यू। आप लोग का सपोर्ट का वजह से हम पूरा जोश से वीडियो बना रहा है,
अय्या गाइस, चल चल के मेरा पूरा हालत खराब हो गया। और गाइस, पहले आप लोग कहाँ वो ऑरेंज बिक्री करने वाला संतरा वो बिक्री करने वाला मालूम को दिखाया था, वो लोग ये रास्ता से वो माता में टुकड़ी से उतार के अपना बस्ती से यहाँ में बेचने आता है। वो लोग बहुत मेहनत करता है, तो आप लोग इसमें आता है तो प्लीज़ वहाँ से संतरा ले दीजिए वो लोग के लिए। इतना मेहनत करता है बेचारा। बस अभी हाईवे पहुँचने के लिए बहुत चलना पड़ेगा। सो फाइनली गाइस, अभी हम हाईवे में पहुंच चुका है, वो उसमें है हाईवे। तो गाइस, आज के लिए वीडियो इतना तक ही, हम भी पूरा थक गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल में जो भी नया आया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।